एसिडिटी की वजह से सामान्य से लेकर कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए एसिडिटी से समय पर छुटकारा पाना जरूरी होता है। कब्ज के दौरान खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिरकार कब्ज होने पर दूध पीना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कब्ज में दूध पीना चाहिए या नहीं। कब्ज एक सामान्य समस्या है। इसकी वजह से रोगी का पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। फाइबर की कमी, खराब लाइफस्टाइल और अस्वस्थ खान पान कब्ज के मुख्य कारणों में शामिल है। पेट में दर्द रहना, सख्त मल, बदहजमी, थकान, आलस, सिरदर्द और चेहरे पर मुहासे कब्ज के प्रमुख लक्षण होते हैं। अगर आपको कब्ज रहता है और पेट साफ नहीं होता तो आपको दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल दूध से बनी चीजें डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो कि पचाने में पेट को काफी मेहनत लगती है। पेट को डेयरी प्रोडक्ट पचाने में लंबा समय लगता है। ऐसे में अगर आपको कब्ज अक्सर रहता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें। कब्ज के रोगी को दूध पनीर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन दही छाछ कब्ज में फायदेमंद होता है। अगर आप दूध पीना भी चाहते हैं तो आप एक गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच गुड़ मिलाकर पी सकते हैं। इससे कब्ज की समस्या दूर रहती है। 1 गिलास में 2 सूखे अंजीर उबालकर खाएं, दूध पी लें, इससे भी आपको कब्ज में आराम मिलेगा। रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच देसी घी डालकर पिए, इससे सुबह पेट आसानी से साफ रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।